ओके, सो गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगाज करना है और जीओसी से चालू करेंगे। जीओसी में तीन चैप्टर्स होते हैं, आईयूपीएसी होता है, आइसोमेरिज्म होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। आप लोगों ने अभी रिसेंटली केमिकल बॉन्डिंग ख़त्म किया, मैंने वीडियो सॉल्यूशन आपको बना दिए थे तीनों सीट के, 01 के भी हो गए, 02 के भी हो गए और 03 के भी हो गए और 04 वाली सीट भी आपको मिली गई होगी। अच्छा, अब हम लोग को पढ़ना है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना पहला टॉपिक है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग तो पूरी केमिस्ट्री ही है। खैर, आइए देखिए, वैसे तो आपको मालूम ही होगा आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, फिर भी मैं बताना चाहूंगा, लिखते रहिएगा साथ में, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, राइट बेटा। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम आपको सबसे पहले कुछ बेसिक्स बताएंगे फिर इसको चालू करेंगे। बेसिक्स क्या है, हमें पढ़ने ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने यही आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो सभी को मालूम ही है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोले तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें आपको कार्बन दिखाई पड़ जाए हम लोग उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, एक्सेप्ट कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बाइड्स। ठीक है, ये चार पांच कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें कार्बन है लेकिन इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना जाता क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच करती हैं। इज इट क्लियर बेटा? तो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ कार्बाइडों को छोड़ दीजिए, बाकी कहीं पर भी कार्बन दिखाई पड़ेगा हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर लिखना नहीं है, समझना, NH2CuNH2, व्हाट इज दिस, दिस इज यूरिया, क्या कार्बन है? है, अगर कार्बन है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। मैंने बोला C2H5OH, आप देख सकते हैं कार्बन है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, राइट। अच्छा, अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, आखिर इस कार्बन के पास ऐसा क्या है कि ये इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है जिसको पढ़ने के लिए हमें एक अलग ब्रांच बनानी पड़ गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आखिर इसके पास ऐसा क्या है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा दो चीजें, क्या रीजन है, तो रीजन क्या है, दो चीजें रीजन है, पहला कैटिनेशन पावर, पहली चीज जो कार्बन के पास स्पेशल है दैट इज कैटिनेशन पावर। कैटिनेशन पावर का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। ठीक है, क्या मतलब है सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी का, देखिए लिखना नहीं है इसे समझने के लिए, जैसे ये कार्बन है ये दूसरे कार्बन के साथ जुड़ गया, दिस इज सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, एक कंपाउंड ये बन गया, ये कार्बन तीसरे कार्बन के साथ जुड़ गया, एक कंपाउंड ये बन गया, ये चौथे के साथ जुड़ गया, एक कंपाउंड ये बन गया, ये पांचवे के साथ जुड़ गया, एक कंपाउंड ये बन गया। तो इस प्रकार से सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी बोले तो कैटिनेशन पावर,
और पूरी पीरियोडिक टेबल में आपको जान के ताज्जुब होगा कि कार्बन की सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए ये सैकड़ों हजारों की तादाद में जुड़ते चले जाते हैं और नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं, जिनकी स्टडी करने के लिए हमने एक नई ब्रांच बनाई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो दिस सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी इज कॉल्ड कैटिनेशन पावर एंड इट इज द मैक्सिमम फॉर कार्बन, मैक्सिमम फॉर कार्बन इन पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर कार्बन के लिए होती है। राइट बेटा, सुनना सुनना बेटा, सोचो 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 ना, थोड़ा सा सोचो। ये जो एलिमेंट एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बना है, इसी बॉन्ड के कारण तो ये आपस में जुड़ रहे हैं और जुड़ने की इस क्षमता को ही कैटिनेशन पावर कह रहे हैं। सोचो, ये बॉन्ड जितना कमजोर होगा, अगर ये बॉन्ड कमजोर होगा तुरंत टूट जाएगा, टूट जाएगा ये आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, और जब आपस में जुड़ नहीं पाएंगे तो कैटिनेशन पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा, इनके जुड़ने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, कैटिनेशन पावर भी उतनी ज्यादा होगी। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कैटिनेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एम बॉन्ड स्ट्रेंथ। यहां पर एम का मतलब है एलिमेंट से। ओके, तो यस, तीसरा पॉइंट यहीं पर हम लिखवाना चाहेंगे कि दस कैटिनेशन पावर, बढ़िया नोट्स बनाइएगा बच्चों, कैटिनेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एम बॉन्ड स्ट्रेंथ। एम एम बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उसकी कैटिनेशन पावर भी उतनी ज्यादा होगी। क्लियर? जैसे अगर मैं बात फोर्थ ए ग्रुप की ही करूं, फोर्थ ए ग्रुप जिस फैमिली का ये कार्बन है, तो यहां पर कार्बन कार्बन, सिलिकन सिलिकन, जर्मेनियम जर्मेनियम, टिन टिन और लेड लेड। देखिए, मैंने बोला कि बताइए इन सभी में सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर किसकी होगी। अब सबसे ज्यादा तो कार्बन की होगी, पहले ही बता दिया, तो इसी की होनी है। आइए पूरा ट्रेंड देखते हैं कि किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर कैटिनेशन पावर पे क्या फर्क पड़ता है। वेरी सिंपल, ऊपर से नीचे जाओगे एटम का साइज बढ़ेगा, पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा, एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा, और बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाती है। तो सबसे मजबूत बॉन्ड ऊपर वाले का होगा तो सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर कार्बन की होगी, और जैसे जैसे नीचे जाओगे कैटिनेशन पावर कम होती जाएगी। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन पावर। ओके बेटा, और मैं आपको यहां पर एक पॉइंट और बताना चाहूंगा कि लेड नॉट सोर्स कैटिनेशन पावर। एनसीईआरटी का कहना है कि लेड की कैटिनेशन पावर सबसे कम क्या होती है, इसकी कैटिनेशन पावर होती ही नहीं है, इसकी सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी जीरो होती है। ओके, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सवाल आ सकता है, चौथे ग्रुप का वो कौन सा मेंबर है जो कैटिनेशन पावर शो नहीं करता। द आंसर इज लेड। ओके, तो पहला रीजन कि कार्बन इतना अलबेला क्यों है, इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है, आपने देखा कैटिनेशन पावर। गॉट इट, लिख लिया, लिख लिया बेटा। तो आइए अब हम लोग चल रहे हैं दूसरा रीजन देने आपको। दूसरा रीजन क्या है कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है। दूसरा रीजन है टेट्रा
वैलेंट नेचर। दूसरा रीजन है टेट्रा वैलेंट नेचर। सुनो बेटा, आपको ये तो मालूम ही है कार्बन जो है वो फोर्थ ग्रुप का है, तो फोर्थ ग्रुप का होने के कारण इसके वैलेंस सेल में चार इलेक्ट्रॉन है। चार इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्या करेगा ये, चार बॉन्ड बनाएगा, अपने चारों इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। तो बहुत ही आसान सी बात है, इस इलेक्ट्रॉन का साझा करके एक बॉन्ड, इस इलेक्ट्रॉन का साझा करके दूसरा बॉन्ड, इस इलेक्ट्रॉन का साझा करके तीसरा बॉन्ड, और इस इलेक्ट्रॉन का साझा करके चौथा बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं कार्बन ने अपने ऑक्टेट को पूरा कर लिया, और इसने कितनी वैलेंसी है इसकी, चार। मतलब एक अकेला कार्बन चार लोगों को एक साथ लपेट सकता है, इसकी जोड़ने की क्षमता कितनी है, चार। और आपको मैं बताना चाहूंगा, एक साइंटिस्ट थे वॉन टॉफ और दूसरे थे ली बेल। इन दो वैज्ञानिकों ने हमें बताया कि कार्बन की जो चार वैलेंसी होती है ये टेट्राहेड्रली ओरिएंटेड होती है। बेटा बोलो कैसे, टेट्राहेड्रली ओरिएंटेड होती है। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वॉन टॉफ एंड ली बेल, ऑल valency of carbon are oriented tetrahedrally। और ये चीज बताने के कारण हम लोग वॉन्टहॉफ और लीबेल को सम्मान देते हैं और उनको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, और इनको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है बेटा, इधर देखिए टेट्राहेड्रली के बारे में क्या बताया, जरा देख लीजिए। अभी तो मैंने आपको मोटा मोटा ये बता दिया कि कार्बन चार बॉन्ड बनाता है। वॉन्टॉफ और लीवेल ने बताया कि चारों जो वैलेंसी आपको हमने ऐसे करके बना दी हैं, ये एक्चुअली में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होती है। किसमें होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। देखो बेटा, हम इसको ऐसे बनाते हैं, एक ये जाएगी बैलेंसी, एक ये जाएगी, एक ये जाएगी, और एक ये जाएगी। ठीक है, एक बैलेंसी से किसी एक को जोड़ लिया, दूसरी से दूसरे को जोड़ लिया, तीसरी से तीसरे को जोड़ लिया, और चौथी से चौथे को जोड़ लिया। अच्छा, अगर इन चारों एटमों को बेटा आप मिलाएं, अगर इन चारों एटम को आप मिलाएं तो आप देखो एक टेट्राहेड्रल बन जाएगा, टेट्राहेड्रल बन जाएगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए, इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल। आप लोग रिसेंटली अभी केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ा है, दिस इज टेट्राहेड्रल। और आपको मालूम है ये एंगल होता है 109.5 डिग्री। ठीक है, अब मेरी बात जरा सुनिएगा आप लोग। देखिए, कार्बन को जोड़ने के लिए चार आदमी है, तो चारों आदमियों को उसने एक एक वैलेंसी से जोड़ लिया। अब मान लो कार्बन को जोड़ने हैं सिर्फ तीन आदमी, तो दो आदमियों को सिंगल बॉन्ड से जोड़ लेगा और एक आदमी को डबल बॉन्ड से जोड़ लेगा। मेरे बच्चों ने अभी अभी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है कि सिंगल बॉन्ड्स आर ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, राइट, सिंगल बॉन्ड आर ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, बट डबल बॉन्ड इज वन सिग्मा वन पाई, राइट। मान लो कार्बन को जोड़ने के लिए सिर्फ दो लोग थे, तो एक को पकड़ लेगा सिंगल से, एक को पकड़ लेगा ट्रिपल से, वैलेंसी तो कार्बन की चार ही रहनी है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों को पकड़ लेगा डबल डबल से, राइट। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं सिग्मा और पाई, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड इज वन सिग्मा टू पाई, डबल बॉन्ड इज वन सिग्मा वन पाई, डबल बॉन्ड इज वन सिग्मा वन पाई। अब कुछ बच्चों के मन में क्या आ रहा होगा कि सर मान लो कार्बन को जोड़ने के लिए सिर्फ एक ही आदमी है, तो इसका मतलब कार्बन
चारों वैलेंसी से उसको जोड़ लेगा तो बेटा आप ये गलत सोच रहे हैं। ना, दो एटमों के बीच में अधिकतम बॉन्डों की संख्या 3 ही हो सकती है, अधिकतम बॉन्ड ऑर्डर 3 ही हो सकता है, मतलब 4 बॉन्ड दो एटमों के बीच में नहीं बन सकते हैं। आपको रीजन मालूम है, बिकॉज मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर कैन बी 3। ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। एक्सेप्शन को देखो ध्यान में नहीं रखते। CO प्लस एक एक्सेप्शन भी लिखवाया था जिसमें मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर 3.5 हो गया था, 4 तो उसमें भी नहीं हो पाया था, ठीक है ना। तो दो एटम के बीच में 4 बॉन्ड नहीं बन सकते हैं, मैक्सिमम 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये सेकंड रीजन है कि कार्बन जो है इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है। एक अकेला कार्बन 4 लोगों को अटैच कर सकता है, दिस इज द रीजन। ओके, बात बड़ा क्लियर हो गई। चलिए भाई, एक ये बेसिक बात हमने आपको बता दी। अच्छा बेटा, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है बेटा, बताओ? वॉन्ट ऑफ एंड लीबेल। जब बात ये उठी गई है तो एक बात और लिख लीजिएगा कहीं पर, अगर कोई आपसे पूछे फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री है लेवोजियर। बेटा बोलो कौन है? लेवोजियर। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉन्ट ऑफ एंड लीवल है, और फादर ऑफ केमिस्ट्री बेटा लेवोजियर है। ओके, चल आगे बढ़े बेटा। इतना पढ़ाने के बाद अब मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरी कैसे हुई, पहले के वैज्ञानिक क्या सोचते थे। आइए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। आइए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमारे पास सबसे पहली थ्योरी आई है बर्जीलियस वाइटल फोर्स थ्योरी। छोड़ो, सिंपल वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी जैसा कि मैंने अभी बोली दिया, बाय बर्जीलियस, बाय बर्जीलियस, ठीक है। वाइटल फोर्स थ्योरी में बर्जीलियस ने कहा, बहुत पुरानी बात है बेटा ये, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिविंग सेल के अंदर ही बनाया जा सकता है। लिविंग सेल मे बी एनिमल सेल, मे बी प्लांट सेल। तो अगर आप ये सोचे कि लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड हम बनाना चाहें तो हम नहीं बना सकते। दिस इज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी गिवन बाय बर्जीलियस, राइट बेटा। तो इन्होंने बताया अकॉर्डिंग हिम ऑर्गेनिक कंपाउंड नेवर बी सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड नेवर बी सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी, ओके, आउटसाइड टू लिविंग सेल, लेबोरेटरी में इनको बनाया नहीं जा सकता। बहुत समय तक बेटा लोगों को यही गलतफहमी बनी रही वाइटल फोर्स थ्योरी की। उसके कई वर्षों के पश्चात बर्जीलियस का एक शिष्य था, एक स्टूडेंट था जिसका नाम था वोहलर। बेटा बोलो क्या था? वोहलर। वोहलर साहब जो थे बेटा, ये अपनी लैब में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्या ये अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन पोटेशियम साइनेट से करा रहे थे? देखेंगे बेटा, अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन पोटेशियम
साइनेट से करा रहे थे। प्लीज लिसन टू मी, ये फार्मूले देखिए याद नहीं किए जाते हैं। आपके ओमेगा ऐप में इंट्रोडक्टरी केमिस्ट्री करके कुछ लेक्चर्स पढ़े हैं, 8, 10 या 12 लेक्चर पढ़े होंगे, एक एक घंटे के या सवा सवा घंटे के या 50-50 मिनट के। शायद लेक्चर नंबर 3 है कि लेक्चर नंबर 4 है, उसमें मैंने बच्चों को आयंस के बारे में पढ़ाया है। अगर किसी बच्चे को आयंस की जानकारी ना हो तो वो उस लेक्चर को देख सकता है। ये फार्मूले बेटा याद नहीं किए जाते हैं, आपको याद होने चाहिए आयंस। व्हाट इज दिस? दिस इज अमोनियम आयन। फर्स्ट ग्रुप पे चार्ज कितना होता है? +1। सोडियम आयन, पोटेशियम आयन। व्हाट इज दिस? सल्फेट आयन। व्हाट इज दिस? साइनेट आयन, एंड सो ऑन। मैंने बहुत सारे आयंस पढ़ा रखे। फिर कैटायन और एनायन के जो चार्ज होते हैं, इनको हम क्रिस क्रॉस कर देते हैं तो फार्मूला बन जाता है। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना, अगर आपको आयंस की जानकारी नहीं है तो इंट्रोडक्टरी केमिस्ट्री के लेक्चर्स पढ़े हैं ऐप में, शायद लेक्चर नंबर 3 या 4 होगा, उसमें आयंस के बारे में मैंने पढ़ा रखा है। ओके, सुन ले बेटा मेरी बात। हुआ क्या, वोहलर साहब का मकसद ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाना नहीं था ना, ये तो सिर्फ अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन पोटेशियम साइनेट से करा रहे थे। क्या हुआ? अमोनियम ने साइनेट को ले लिया और पोटेशियम जो है वो सल्फेट को लेकर अलग हो गया। लकली क्या हुआ, जिस टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन चल रही थी, लकली वो टेस्ट ट्यूब थोड़ी सी गर्म हो गई। वोलर साहब का ध्यान थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट से हट गया और उतने में टेस्ट ट्यूब क्या हो गई? गर्म हो गई। गर्म होने से क्या हुआ, इस मॉलिक्यूल में रीअरेंजमेंट हो गया। बेटा बोलो क्या हो गया? कभी कभी आंचल लेता नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि अपने आप गर्म हो जाने के कारण यहां पर हो गया मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। बेटा रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि फार्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ एटमों का अरेंजमेंट अदल बदल जाता है। तो जब इसमें मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हुआ तो ये बदल गया यूरिया में NH2CO NH2। वॉलर साहब की एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ी क्रांति आ गई। वॉलर साहब का मकसद इसको बनाना नहीं था, वो तो लापरवाह थे तुम लोगों के तरीके। स्टूडेंट था इनका, ठीक, तो ये तो लापरवाह होगा, स्टूडेंट है लापरवाह होगा, तो लापरवाही में गर्म हो गया और लापरवाही में देखिए क्या बन गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको देखकर वॉलर साहब की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी आप जो बोल के गए थे वो गलत था। ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है। और आपको मैं बताना चाहूंगा, यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब, इज यूरिया। इसके बाद तो बड़ा क्रांति आ गई और दे दनादन ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना चालू हो गया। तो यहां से इस फ्यो थ्योरी का खंडन हो गया, ये थ्योरी डिस्कार्ड हो गई और ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी लैब में बनाया जाने लगा। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था बेटा? यूरिया, जो लैब में बना। किसने बनाया? वोहलर ने बनाया। 3 क्वेश्चन कभी कभी बनते हैं, एक बार सभी लोग जहां बैठे हैं बोलेंगे, यूरिया किसके रीअरेंजमेंट से बना? अमोनियम साइनेट के रीअरेंजमेंट से बना।
यूरिया किसके रीअरेंजमेंट से बना? अमोनियम साइनेट के रीअरेंजमेंट से बना। वोहलर के रिएक्टेंट क्या थे? अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट वोहलर के रिएक्टेंट थे। एम राइट बेटा? ओके, देखो बनना है, देखो जरा इस पर रोशनी आ रही है। बोर्ड आ रहा है, ओके, इज इट क्लियर बेटा? अच्छा भाई, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। अच्छा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद बेटा हम बात करना चाहेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन किसका बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। हम बात करना चाहेंगे क्लासिफिकेशन की ऑर्गेनिक कंपाउंड का। सुनो बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रॉडली दो भागों में क्लासिफाई किया गया है बेटा, एक ओपन चेन कंपाउंड या एलिफैटिक कंपाउंड, और दूसरा साइक्लिक या रिंग लाइक कंपाउंड। क्या है नहीं? ओके बेटा, अच्छा, ओपन चेन कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड। सुना बेटा, बेटा ओपन चेन कंपाउंड का मतलब क्या होता है? हाँ, आपने गाय भैंस या कुत्ता बांधने के साथ कभी लोहे की जंजीर देखी हो? छोटी छोटी कलियों से मिलकर बनती है, एक छोर होता है, एक अंत होता है। तो कार्बन बेटा आपस में ऐसे जुड़े हैं कि एक जंजीर टाइप की बन जाए, एक छोर तो एक अंत बन जाए, उसे कहते हैं हम लोग ओपन चेन कंपाउंड। ये देखिए, ये देखो बेटा, कार्बन इस प्रकार से जुड़ रहे हैं कि एक छोर एक अंत बन रहा है, ओपन चेन कंपाउंड है। क्या कहीं पर साइकिल आपको दिखाई पड़ रही है? नहीं दिखाई पड़ रही है, ये सब ओपन चेन कंपाउंड है। और कार्बन लगा दो, सब ओपन चेन कंपाउंड हो गए। कहीं भी आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा दो, वो भी ओपन चेन कंपाउंड होगा। रिंग का फॉर्मेशन हुआ तो साइक्लिक हो जाएगा, और रिंग का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो ओपन चेन होगा। अच्छा भाई, अब बड़ी अच्छी सी बात आपको बताने जा रहा हूं, गौर से देखिएगा। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? चार। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो गए, चलो थोड़ा ध्यान रखना, हम लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी हाइड्रोजन की टेंसर नहीं ली जाती। कैसे? सुनना, जैसे यहां पर आप देखिए तो कार्बन की कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई है? एक। और आपने पढ़ा था कार्बन की वैलेंसी होती कितनी है? चार। तो ये अंडरस्टूड है कि रिमेनिंग तीन वैलेंसियां जो होगी वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होंगी। अब आपको ये मालूम होना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग अभी आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो ये अंडरस्टूड होता है कि कार्बन की जितनी वैलेंसी आपको दिखाई नहीं पड़ रही है उन सारी वैलेंसियों पर क्या होगा? हाइड्रोजन। तो ये अंडरस्टूड है कि टर्मिनल कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन होते हैं। बोलो भैया, इसकी दो वैलेंसी सेटिस्फाई दिखाई पड़ रही है तो रिमेनिंग दो वैलेंसी पर हाइड्रोजन होगा, इसकी तीन वैलेंसी दिखाई पड़ रही है तो चौथी वैलेंसी पर हाइड्रोजन होगा, इसकी भी तीन वैलेंसी पर हाइड्रोजन होगा और इसकी भी तीन वैलेंसी पर हाइड्रोजन होगा। तो हमारे केमिस्ट्री में कभी भी हाइड्रोजन की टेंशन नहीं ली जाती। गेट बंद करो, ओके। अब सुनो बेटा, ये आपने बहुत इसका ओपन स्ट्रक्चर बना दिया है तो इतना बनाने में तो बहुत समय भी बर्बाद होता है और बहुत कागज भी खराब होगा, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं। देखो बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3। इस चीज को हमने ऐसे लिख दिया। तो हमेशा ध्यान रखना, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की जितनी वैलेंसी दिखाई पड़ रही है ठीक,
और जो ना दिखाई पड़ रही हो उन बैलेंसियों पे क्या लगा होगा, हाई डोज लगा होगा, राइट। तो दीज आर ऑल ओपन चेन कंपाउंड। साइकिल कंपाउंड समझ गए होंगे, साइकिल का पहिया बनेगा, ना कोई छोर होगा ना कोई अंत होगा। जैसे देखो बेटा, जैसे आप देखिए, ये देखो एक साइकिल का पहिया बन गया, कौन सा छोर कौन सा कुछ मालूम नहीं, दीज आर कॉल्ड साइकिल कंपाउंड। अब ये फिर से देखा जाए, हमारे ऑर्गेनिक में ये जितने भी कॉर्नर्स होते हैं, ध्यान रखना बेटा, ये सारे कॉर्नर्स जो होते हैं वो कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। प्लीज हमें देखिए, अब फिर से हो जाए, आपको बताना है हर कार्बन पर कितने हाइड्रोजन होंगे, इसकी दो वैलेंसी सेटिस्फाई है तो रिमेनिंग दो वैलेंसी पर क्या होगा, हाइड्रोजन। इसकी भी रिमेनिंग दो वैलेंसी पर क्या होगा, हाइड्रोजन। इसकी भी दो वैलेंसी पर क्या होगा, हाइड्रोजन। इसकी भी दो वैलेंसी पे क्या होगा, हाइड्रोजन। इसकी भी दो वैलेंसी पे क्या होगा, हाइड्रोजन। और इसकी भी दो वैलेंसी पर क्या होगा, हाइड्रोजन। तो ध्यान रखना बेटा, हाइड्रोजन की कभी टेंशन नहीं लेते। साइक्लिक कंपाउंड हो गया, मान लो एग्जांपल और दिया हम आपको साइक्लिक का, ये ले, शायद आप इससे फैमिलियर हो कभी, व्हाट इज दिस, दिस इज बेंजीन, दिस इज बेंजीन। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेंजीन के प्रत्येक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे, तो उम्मीद करते हैं आप देख के बता दें। देखो जरा, हर कार्बन की तीन वैलेंसी सेटिस्फाई है तो चौथी वैलेंसी पे क्या होगा, एच होगा। ये अंडर स्टूड है, इसको सोचने की जरूरत नहीं। यही तो रीजन होता है बेटा कि बेंजीन का फार्मूला बनता है C6H6। C6H6 इज द फार्मूला ऑफ बेंजीन। ओपन चेन कंपाउंड हो गया और ये साइक्लिक कंपाउंड हो गया, ठीक है बेटा। अच्छा भाई अब सुनना, ये जो बेटा साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ये जो साइक्लिक कंपाउंड बेटा होते हैं, ये फर्दर दो भागों में क्लासिफाई किए जाते हैं बेटा। वो कितने भागों में, दो भागों में क्लासिफाई किए जाते हैं, एक होमोसाइक्लिक और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। सुनना सुनना बेटा, मेरे पास तो जगह नहीं है, आप समझ चुके हो कहां पे लिखना है, कुछ इसके नीचे लिखोगे कुछ इसके नीचे लिखोगे, ठीक है, मैं पन्ने को हटा दे रहा हूं, राइट। सुनना बेटा, ओके, तो दो प्रकार की क्या बताया हमने, एक बताया होमोसाइक्लिक और दूसरा बेटा बोलो क्या बताया, हेट्रोसाइक्लिक। अब जरा सबको देखिए, होमो का मतलब होता है समान, समान एक जैसे, मींस सारे आइटम क्या हो, एक जैसे आइटम, एक जैसे एटम्स इन रिंग, जिन एटमों ने रिंग को बनाया है वो सारी एटम क्या होने चाहिए, एक जैसे एटम्स इन रिंग। और हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, जिन एटमों ने रिंग बनाई है उनमें से कोई एटम कार्बन के अलावा कुछ और आ जाए तो उसे कहेंगे हेट्रो एटम। फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, मैंने ये दिया, मान लो ये डबल बॉन्ड लगा दिया और मैंने आपको ये दिया, देखिए अपन ये नहीं देखेंगे कि रिंग के बाहर क्या लगा, अपन ये देखेंगे जिन एटमों ने रिंग बनाया है वो कैसे है। आप देखो, कार्बन 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 कार्बन, सारे एटम क्या है, कार्बन ही तो है, कैसा हो गया, होमोसाइक्लिक हो गया। यहां पर देखो बेटा, रिंग किसने बनाई है, इसने इसने इसने
इसने इसने और इसने, तो रिंग किसने बनाई है? वो सारे के सारे एटम्स क्या है बेटा? कार्बन है। तो ये भी बेटा क्या हो गया? होमोसाइक्लिक हो गए। अब बाहर क्या लगा अपन को, उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। ये एटम सेम होने चाहिए, रिंग वाले एटम। तो यहां पर देखो, मैंने आपको ये दे दिया, मान लीजिए ये देखो ये दे दिया, देखो ना। अब रिंग बनाई किसने? इसने बनाई है, इसने बनाई है, इसने बनाई है, और इसने बनाई और इसने बनाई है। तो रिंग वाले एटम कौन कौन से हैं? कार्बन है, और कार्बन के अलावा क्या है? ऑक्सीजन है। तो ये कैसा बेटा होगा बोलो? हेट्रोसाइक्लिक होगा। कैसा होगा बेटा? हेट्रोसाइक्लिक होगा। और देखो जरा बेटा एग्जाम्पल, एक आपने ध्यान देखो बेटा, रिंग किसने किसने बनाई है? पांच तो कार्बनों ने रिंग बनाई है, और छठवां क्या हो गया? नाइट्रोजन। तो कार्बन के अलावा आ गया, तो ये क्या हो गया? हेट्रोसाइक्लिक हो गया। तो रिंग में जो एटम्स होते हैं, जिन्होंने रिंग बनाई होती है, उनको देखते हैं। रिंग के बाहर क्या लगा हमें उससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अच्छा भाई, आप सुनना मेरी बात। आप किताबों को खोल के देखेंगे तो आपको ये होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक फर्दर क्लासिफाइड मिल जाएंगे, बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। सुनना, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक की डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में, अभी तो नहीं बता सकते आपको। तो अभी मैं आपको बस एक मोटी मोटी डेफिनेशन बता सकता हूं एरोमेटिक की, जो सही नहीं है, बस मोटी मोटी ये काम करेंगे क्या। अगर रिंग के अंदर अल्टरनेट फैशन में डबल सिंगल बॉन्ड लगे हैं तो यूजली वो एरोमेटिक होता है। ये देखिए, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, तो हम कह सकते हैं कि ये एरोमेटिक होगा। डबल सिंगल सिंगल लो, ये एरोमेटिक नहीं होगा, नहीं होगा। डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं इसको आप क्या बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, रिंग के सारे एटम सेम है, तो आपने इसको क्या बोला? होमोसाइक्लिक। ओके, क्या ये एरोमेटिक है? नहीं, तो आपने बोला नॉन एरोमेटिक। ओके, होमोसाइक्लिक, नॉन एरोमेटिक। तेरा बगल वाले को देखो, बगल है तो बेटा, रिंग के सारे एटम तो सेम है, तो होमोसाइक्लिक तो होगा ही होगा। और एरोमेटिक भी लग रहा, तो होमोसाइक्लिक एरोमेटिक बोल सकते हैं। बेटा बोलो बेटा, बड़ा भावना क्लियर हो रही है? अच्छा, अब बताओ इसको क्या बोलोगे? होमो बोलोगे कि हेट्रो बोलोगे? हेट्रो बोलोगे। एरोमेटिक की नॉन एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक। ये बोला जाएगा हेट्रो साइक्लिक नॉन एरोमेटिक। अगर समझ में आए तो आप तो इसको क्या बोलोगे? होगा तो हेट्रो साइक्लिक, लेकिन क्या होगा? एरोमेटिक। हेट्रो साइक्लिक एरोमेटिक, शायद आपको ये दिखाई ना पड़ रहा हो, नहीं दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है ना, दोबारा देख लेते हैं, हो सकता है कैमरे में दिखाई ना पड़े बच्चों को। होमो साइक्लिक नॉन एरोमेटिक। ओके बेटा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन समझ में आया, ठीक है। एक बार फिर देखो बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू कार्बाइड। कार्बन की एडमिशन पावर पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। कार्बन का टेट्रा वैलेंट नेचर होता है, टेट्राहेड्रली चारों वैलेंसी ओरिएंटेड होती है, ऐसा वॉल्टॉफ और लीबेल ने बताया था, इसलिए इनको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। बात करें क्लासिफिकेशन की, ओपन चेन कंपाउंड
और साइकिल कंपाउंड रिंग बने तो साइकिल, रिंग ना बने तो बेंजीन। हाइड्रोजन की टेंशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं ली जाती है, कोई जितनी वैलेंसी आपको ना दिखाई पड़े हर उस वैलेंसी पर हाइड्रोजन होता है। रिंग के सारे एटम एक जैसे हैं तो होमोसाइक्लिक है, और कोई एटम कार्बन के अलावा कुछ और हो गया तो हेटरोसाइक्लिक होगा। अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है तो एरोमेटिक होंगे, और नहीं है तो नॉन एरोमेटिक होंगे। इस क्लासिफिकेशन के बाद मैं डालो उसको, इस क्लासिफिकेशन के बाद मैं चालू करने जा रहा हूं नया पॉइंट, दैट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जैसे कि नाम से समझ में आ रहा होगा, हाइड्रो माने हाइड्रोजन, कार्बन माने कार्बन। यस, हाइड्रोकार्बन्स आर एक्चुअली कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। इनके अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, सॉरी तीन प्रकार के होते हैं, एल्केन और पैराफीन। दूसरा बेटा होता है एल्की और ऑलिफी, और तीसरा बेटा होता है एल्काइन। इसका कोई दूसरा नाम नहीं होता है, ठीक है। अच्छा भाई सुनना, सुनना, एल्केन को पैराफीन क्यों कहते हैं? पैरा का मतलब होता है लेस और एफीन का मतलब होता है चाहत। इनकी चाहत दूसरों के प्रति बहुत कम होती है। चाहत बहुत कम का मतलब है दे आर लेस रिएक्टिव, दे आर इनर्ट, ये यूजली किसी से रिएक्शन नहीं करती। तो पैराफीन का बेटा मतलब होता है, पैराफीन का मतलब होता है लेस रिएक्टिव, बोले तो इनर्ट, ठीक है। और ऑलिफीन का बेटा मतलब होता है ऑयल लाइक, इसलिए एल्कीन को ऑलिफीन कहते हैं, और लेस रिएक्टिव या इनर्ट होने के कारण एल्केन को पैराफीन कहते हैं। आपने 11, 12 में पढ़ा होगा कि एल्केन हाई टेम्परेचर पर लोगों से रिएक्शन करते हैं, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पर ये क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करें एल्केन एल्कीन एल्काइन को पहचानेंगे कैसे। पहला पॉइंट, एल्केन को कैसे पहचानेंगे, वेरी सिंपल, सिंगल बॉन्ड बिटवीन ईच कार्बन। अगर कोई हाइड्रोकार्बन आपको ऐसा दिया जाए जिसके प्रत्येक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो उसे बेटा हम लोग बोलेंगे एल्केन या पैराफीन। जैसे देखेंगे बेटा बिल्कुल प्यार से देखेंगे, सी 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 ठीक है। अब देखिए हर कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या होगा एल्केन। अच्छा भाई आपको मालूम है हाइड्रोजन की टेंशन हम लोग नहीं लेते हैं, देखिए आपको क्या मालूम है इसकी कितनी वैलेंसी दिखाई पड़ रही है, एक, कितनी नहीं दिख रही, तीन, तो तीनों पर क्या होगा हाइड्रोजन। आप खोल के लिख सकते हो या फिर यहां पर लिख सकते हो सीएस। इसकी कितनी वैलेंसी पर हाइड्रोजन होगा, दो, बोलो नहीं है समझ में आ रहा, दो, तो दो लगा दो। इसकी कितनी वैलेंसी पर हाइड्रोजन होगा, बोलो एक, चार वैलेंसी होती है, तीन दिखाई पड़ रही है, चौथी पे क्या होगा एच होगा। इसकी कितनी वैलेंसी पर हाइड्रोजन होगा, तीन, एक दिखाई पड़ रही है, तीन पे एच होगा, और इसकी कितनी वैलेंसी पे होगा, तीन, खत्म हो गया। तो हाइड्रोजन की टेंशन हम लोग नहीं लेते। अच्छा भाई अब यहां पे मैं अपने स्टूडेंट को कुछ और भी सिखाना चाहूंगा भाई, और देखो क्या, देखिए
हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंगल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करो या छुपा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH। आप सिंगल बॉन्ड को मत दिखाइए तो कोई दिक्कत नहीं होती है, अगर किसी कार्बन के बीच में बॉन्ड दिखाई ना पड़े तो ये अंडर स्टूड होता है कि वो सिंगल बॉन्ड ही होगा। दूसरी बात समझिए, देखिए देखो, अगर किसी कार्बन से सेम ग्रुप लगे, इस कार्बन से दो CH3 ग्रुप लगे, तो हम क्या करते हैं, दो बार लिखने से अच्छा होता है हम उसका होल ट्वाइस करके लिख देते हैं। बेटा बोलो क्या कर देते हैं, होल। अगर होल ट्वाइस कुछ लिखा हुआ है तो ये अंडर स्टूड है कि उस कार्बन से वो दो बार लगा हुआ है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा भाई, अब हम लोग बात करेंगे एल्कीन की। सुनना, एल्कीन की पहचान है प्रत्येक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, जबकि एल्कीन की पहचान है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बिटवीन एनी टू कार्बन। सबके बीच जरूरी नहीं है, बिटवीन एनी टू कार्बन। किन्हीं भी दो कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ गया तो हम उसे बोलेंगे एल्कीन। फॉर एग्जाम्पल सी डबल बॉन्ड सी मैंने आपको ये दिया, गॉट इट। बता देखो बेटा, एक और लगा ले, ये कर दिया। देखो बेटा, क्या हर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं, हर के बीच नहीं चाहिए, कहीं भी अगर डबल बॉन्ड आ गया तो वो हाइड्रोकार्बन क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड आ जाए। अच्छा, क्या मेरे बच्चे हाइड्रोजन को लेकर परेशान है, नहीं ना, जल्दी बताओ कितने होंगे, इसके पास कितने हाइड्रोजन, तीन, एक वैलेंसी बोला करो यार, क्लियर नहीं हो रहा आपको, पढ़ाई चालू भी नहीं किया अभी तक, ठीक है, इसके पास कितने होंगे, एक भी नहीं होंगे, एक दो तीन चार, चारों वैलेंसी भर गई है, हाइड्रोजन नहीं होंगे, इसके पास बोलो तीन, इसके पास बोलो तीन, इसके पास बोलो तीन, इसके पास एक भी नहीं होंगे, राइट। अगर आप लोग चाहें तो इस एल्कीन को शॉर्ट में ऐसे भी तो लिख सकते हो, जगह नहीं है, आ जाएगा, आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख, इस कार्बन पर दो CH3 लगे हुए हैं तो CH3 का होल ट्वाइस, ध्यान रखना सिंगल बॉन्ड को छुपा सकते हैं, डबल बॉन्ड को नहीं छुपा सकते, तो डबल बॉन्ड आपको दिखाना पड़ेगा सी, इससे भी दो CH3 लगे, दो बार लिखने से अच्छा एक बार लिख दो होल ट्वाइस। बेटा नेक्स्ट देखेंगे, एल्कीन के बाद हम लोग बात करेंगे एल्काइन की, तो बिल्कुल एल्कीन वाला ही आइडेंटिफिकेशन होता है, बस डबल बॉन्ड के जगह हम लोग ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन एनी टू कार्बन। किन्हीं भी दो कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो हम उसे बोलेंगे एल्काइन। आप देख सकते हैं सी ट्रिपल बॉन्ड सी, क्या सबके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं, किन्हीं भी दो के बीच में आ गया तो एल्काइन बन गया। मैं उम्मीद करता हूं अब आपको हाइड्रोजन की टेंशन नहीं होगी, राइट। आप अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो मेरे बच्चे जानते हैं हम लोग सिर्फ सिंगल बॉन्ड को छुपा सकते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को नहीं छुपा सकते। बहुत ज्यादा आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो बस, ओके। जस्ट लिसन टू मी, थोड़ा पानी जरा पी लिया जाए और देर से बोलना है, आइए इसको लिख।
तो बेटा तो क्या मेरे बच्चों को हाइड्रोकार्बन के तीनों प्रकार समझ में आ गए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। सिंगल बॉन्ड सभी के बीच में, एल्केन कहीं पर भी डबल, एल्कीन कहीं पर भी ट्रिपल, एल्काइन कैसे होल्ड ट्वाइस करके लिख सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। जगह नहीं है, आप इसी के नीचे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अभी पहला पॉइंट खत्म हुआ है, ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ाने जा रहे हैं। देखें बेटा दूसरा पॉइंट क्या है, बेटा दूसरा बेटा पॉइंट है फार्मूले। एल्केन का फार्मूला बेटा होता है CnH2n+2। मतलब बेटा एल्केन में हाइड्रोजनों की जो संख्या है वो कार्बन के डबल से दो ज्यादा है। अब देखिए n का डबल हुआ 2n और प्लस कर दिया 2, तो हाइड्रोजनों की संख्या कार्बन की संख्या के दुगने से अगर दो ज्यादा है तो हम बोलेंगे एल्केन। अगर बेटा इसके अंदर से हम 2H को हटा दें तो एल्कीन का फार्मूला बन जाता है CnH2n। मतलब हाइड्रोजनों की संख्या जस्ट डबल होगी, और अगर बेटा हम इसके अंदर से 2H और हटा दें तो एल्काइन का फार्मूला बन जाता है। ध्यान रखिएगा बेटा, प्लीज हम देखिए, अगर हाइड्रोजनों की संख्या दुगने से दो ज्यादा तो एल्केन, जस्ट दुगनी तो एल्की, और दुगने से दो कम तो एल्काइन। मजा आएगा, मजा आएगा। देखा नहीं, हमने आपको ये दिया। अब देखिए ये फार्मूला कंडेंस फॉर्म में लिखा है, खोल के तो लिखा है, खोल के लिखते तो बच्चा बता देता। सिंगल बॉन्ड एल्केन, कहीं डबल एल्कीन, कहीं ट्रिपल तो एल्काइन, ये तो लिखा नहीं, ये कंडेंस फॉर्म में लिखा है। तो कैसे पहचानोगे ये क्या है? 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 12, दुगने से दो ज्यादा मतलब एल्केन। मान लीजिए हम यहां पर 10 कर देते, 5 × 10 जस्ट डबल एल्केन, और यहां पर अगर हम दुगने से दो कम कर देते, 5 × 10, 10 में से 2 गया 8, तो हो जाता ये। जब कंडेंस फॉर्म में लिखा होता है तो हम इन फार्मूलों की हेल्प लेते हैं। ओके, अच्छा भाई, जैसे मैंने कहा एल्केन फैमिली का पहला सदस्य बताइए क्या होगा। पहला सदस्य का मतलब है आप एन के स्थान पर 1 रख दीजिए। जब आप एन के स्थान पर 1 रखेंगे तो आपको पहला सदस्य मिल गया CH4। देखो 1 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, दुगने से दो ज्यादा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो यहां पर फॉर्मूला लिखा है इसको हम लोग कहते हैं डार्क एंड रेड, इसको हम लोग कहते हैं मार्स गैस बायोगैस नेचुरल गैस और फायर डैम। ठीक है ना, CH4 द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन इज CH4। इसके नाम है मार्स गैस, बायोगैस, नेचुरल गैस और फायर डैम। हम लोग इसको मीथेन भी कहते हैं, वो इसका IUPAC नाम है, जो करना हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, अच्छा सुन लो, मैंने बोला एल्कीन और एल्काइन फैमिली का पहला सदस्य बताइए, तो आपने एन की जगह पे क्या रख दिया, 1। ध्यान रखिए इनका n = 1 एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आपको इनका पहला सदस्य बताना है तो n = 1 नहीं, n = 2 से आएगा, 2 × 2 = 4। इज इट क्लियर? यहां पर क्या आएगा, 2 × 2 = 4, 4 में से 2 गया। ठीक है, IUPAC नाम तो मैं अभी आपको सिखा दूंगा, अभी आप इनकी कॉमन नेम समझ लीजिए। इसको हम लोग एथिलीन के नाम से जानते हैं,
और इसका नाम तो बहुत ही पॉपुलर है एसीटीली। बेटा बोलो क्या नाम है? एसीटीली। ये याद करने पड़ेंगे बेटा, इनको करने कोई तरीका नहीं होता है। मार्स गैस बोले तो मीथेन, और एथिलीन बोले तो C2H4, और एसीटीलीन बोले तो C2H2। ध्यान से अगर आप देखें, मैंने जो कॉमन नेम बताए हैं वो तीनों फैमिली के फर्स्ट मेंबर के ही बताए हैं। इसका फर्स्ट मेंबर फर्स्ट कार्बन वाला ही होता है, और इनके फर्स्ट मेंबर सेकंड कार्बन वाले होते हैं। ओके, तो क्या आपको ये फॉर्मूले समझ में आ गए बेटा? अच्छा बेटा, ओके। अब बेटा हम लोग बात करेंगे इन हाइड्रोकार्बन के आईयूपीएसी नाम कैसे किए जाते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल होता है आईयूपीएसी नाम। देखो बेटा, जिस हाइड्रोकार्बन का आपको नाम करना है, जाहिर सी बात है उसमें कुछ कार्बन होंगे। अच्छा भाई, जितने कार्बन होते हैं उतने कार्बन का हम लिख देते हैं रूट वर्ड। क्या लिख देते हैं? रूट वर्ड, जिसे हम लोग कहते हैं एल्क। बड़ा क्या कहते हैं? जिस हाइड्रोकार्बन का आपको नाम करना है एल्कीन, एल्कीन या एल्काइन का, उसमें जितने कार्बन होते हैं उतने कार्बन का हम रूट वर्ड लिख देते हैं, बोले तो एल्क। और इसमें हम लोग ऐड करते हैं प्राइमरी सफिक्स। बड़ा बोलो क्या ऐड करते हैं? प्राइमरी सफिक्स। ये किसी का भी आईयूपीएसी नाम आप कर सकते हो, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। देखिए बेटा, व्हाट इज प्राइमरी सफिक्स, जस्ट लिसन टू मी। जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि रूट वर्ड आपको बताता है अबाउट नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन। क्या होता है प्रिंसिपल चेन? अभी मत समझिए, अब इसे इतना समझिए कि जिसका आईयूपीएसी नाम करना है उसमें जितने कार्बन होते हैं उसके बारे में बताता है रूट वर्ड। अच्छा बेटा, अब सवाल है ये प्राइमरी सफिक्स आपको क्या बताता है? ये प्राइमरी सफिक्स आपको बताता है अबाउट नेचर ऑफ प्रिंसिपल चेन, वेदर इट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। देखिए लिख लीजिए, बता देते हैं, लिख लीजिए बता दो, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। देखिए अब हमारे बच्चों के समय नया शब्द आ गया, सर ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या है? देखो बेटा, अगर किसी चेन में कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है तो हम उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड। जैसे एल्कीन और एल्काइन, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है क्योंकि इनके पास कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड होता है। लेकिन जो एल्केन होता है वो सैचुरेटेड माना जाता है क्योंकि उसके पास कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, प्राइमरी सफिक्स आपको बताता है वेदर द प्रिंसिपल चेन, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है, वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अगर कोई कहीं पर भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है कार्बन कार्बन के बीच में, पाई बॉन्ड नहीं है कार्बन कार्बन के बीच में, तो सैचुरेटेड कहेंगे, और पाई बॉन्ड आ गया तो अनसैचुरेटेड कहेंगे। गॉट इट? जैसे इसको सेव करना पड़ेगा और एक नया पेज आप पेज ला रहे हैं, लिखिएगा मत, लिखना चाहो तो हाशिए पे लिख लेगा, सॉरी ठीक, हाशिए पे चाहो तो लिख लेगा। जैसे मैंने आपको यह दिया, मैंने आपसे पूछा सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड। कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड अगर है तो अनसैचुरेटेड होगा। यहां पे मल्टीपल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, हमें इससे मतलब नहीं, हम तो इसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड ही बोलेंगे। ओके बेटा,
हमने आपको दिया ये, यस ये क्या होगा, ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड होगा, ये सेचुरेटेड कंपाउंड है और ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। तो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड अगर है तो हम उसे कहेंगे अनसेचुरेटेड, और अगर कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो हम उसे कहेंगे सेचुरेटेड। ये क्लियर, कहीं हाशिए पर इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ओके। बताओ ये क्या होगा, बोलो सैचुरेटेड। कार्बन नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड नहीं, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड होने पर अनसैचुरेटेड बोलते हैं। यहां पे कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, दिस इज आल्सो सैचुरेटेड। ओके बेटा, इसको हाशिए पे लिख लीजिएगा कहीं पर, ठीक है ओके। अच्छा मैं वापस से अपने पेज पर आ जाऊं जहां पर मैं आयु बेस सिखा रहा था आपको, हटा दो बेटा इसको, हटा दो बेटा। देखिए हम लोग हाइड्रोकार्बन के आयु बेस नाम कैसे करेंगे, जितने कार्बन हो उसका रूट वर्ड बोले तो एल लिख देंगे और प्लस करेंगे प्राइमरी सफिक्स। अब देखना प्राइमरी सफिक्स सैचुरेटेड मतलब कहीं पर भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं होगा, मतलब वो एल्केन होगा, तो सैचुरेटेड का प्राइमरी सफिक्स होता है ए। बोलो क्या होता है ए, और अनसेचुरेटेड का प्राइमरी सफिक्स होता है अगर डबल बॉन्ड है तो ई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आई। ओके सिंगल बॉन्ड सेचुरेटेड है तो प्राइमरी सफिक्स होगा ए, और डबल बॉन्ड आ गया तो ई, और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आई, ठीक है। अच्छा अब यहां मेरे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो समझ गए हम प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, इससे ये रूट वर्ड का क्या मतलब है, कितने कार्बन होने पे रूट वर्ड क्या होगा, कितने कार्बन होने पे एल्क क्या होगा, आइए वो देख ले। ऊपर रख कर गए, देखिए बेटा देखिए प्लीज सामने देखिए बेटा, आराम से पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नंबर ऑफ कार्बन और उसका एल्क, एल्क को क्या बोल सकते हैं रूट है। और देखिए देखिए एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, सात कार्बन, आठ, नौ, दस। अगर प्रिंसिपल चेन में एक कार्बन होता है तो इसका रूट वर्ड होता है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। ओके बेटा, तो जैसे कार्बन होंगे वैसा उसका रूट वर्ड या एल्क होगा, ध्यान रखिएगा एल्क को ही हम लोग क्या कहते हैं रूट वर्ड। ठीक है बेटा, अच्छा सुन लो एक दो और लिख लो, जैसे देखो बेटा मान लो 11 कार्बन हो जाए, 12 कार्बन हो जाए, 11 का बेटा बोलो अंडक, 12 का बेटा बोलो डोडक, 13 का ट्राइडक एंड सो। ठीक है, काफी सारे बता देते थे लेकिन जरूरत बेटा नहीं है, अब इतने में काम हो जाएगा राइट। आइए अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे जैसे चलिए बोलो ये दे दिया, ये दे दिया और ये दे दिया। ठीक, मैंने पूछा इन सबके आयु पीसी नहीं, बताइए। देखो बेटा
पहले मेरे बच्चे ये बताएं, आपने कैसे समझा कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है? हमने खोल के तो बनाया नहीं है, तो कैसे समझोगे? फार्मूले से समझेंगे। पार दूनी दस, दस और दो बारह, दुगने से दो ज्यादा है मतलब ये एल्केन होगा। अच्छा, कितने कार्बन है? पांच। पांच कार्बन का रूट वर्ड क्या होगा? पेंट। ठीक है, चूंकि ये एल्केन है, सैचुरेटेड है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? ए। तो रूट वर्ड में आपने प्राइमरी सफिक्स जोड़ दिया, आईयूपीएसी नाम बन गया पेंटेन। बेटा बोलो क्या बन गया? पेंटेन। ठीक है, इधर कैसे पहचाना तुमने कौन सा हाइड्रोकार्बन है? दो दूनी चार, जस्ट दुगनी हाइड्रोजन है मतलब ये एल्कीन होगा। ओके, दो कार्बन का रूट वर्ड एथ। ओके, एल्कीन का मतलब सफिक्स क्या होता है? ई, एथ ई, आईयूपीएसी ने एथी, जबकि इसके पहले मैंने इसी का कॉमन नेम बताया था एथिलीन, आईयूपीएसी ने एथी। दो दूनी चार, चार में से दो गया दो, दुगने से दो कम है मतलब ये एल्काइन है। दो कार्बन का रूट वर्ड एथ, प्राइमरी सफिक्स आयन, आईयूपीएसी नेम इथाइन, जबकि इसी का मैंने कॉमन नेम आपको बताया था एसिटिलीन। ओके, इन दोनों के, इन आईयूपीएसी नाम से ज्यादा पॉपुलर है इनके कॉमन नेम। इसको जल्दी में बच्चे एथिलीन बोल देते हैं और इसको जल्दी में बच्चे एसिटिलीन बोल देते हैं। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आपको आईयूपीएसी क्लियर हो रहा है। ठीक है, बताइए अगर मैं आपको ये दे दूं तो क्या ख्याल है आपका? बैकेन, क्यों? दस दूनी बीस, बीस और दो बाईस, दुगने से दो ज्यादा एल्केन होगा। तो रूट वर्ड दस कार्बन का क्या हो गया? डेक। और प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? ए। आईयूपीएसी नेम क्या हो गया? ओके बेटा, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा भाई, चलो अब मैं आप लोगों को एक मिनट दे रहा हूं, जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से एक मिनट में आपको रिवाइज करना है। हिम्मत लिखिएगा, चलो रिवाइज करिए फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, पढ़ लिया, बताइए पूरी प्रोडक्ट टेबल में सबसे ज्यादा कैटेशन पावर किसकी है? कार्बन की। इसीलिए हम लोग कार्बन के इतने सारे कंपाउंड बनते हैं कि पूरी अलग ब्रांच बनानी पड़ गई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोकार्बन क्लियर हो चुका है सबको। अच्छा, अब हम लोग देखने जा रहे हैं होमोलोगस सीरीज। ये होमोलोगस सीरीज क्या होता है? देखिए, हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे सामने ये दो मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं? आप जरा देखिए,
होमोलोगस के लिए वो बनाते हैं, लिखेंगे हैविंग हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप विद विद डिफरेंस ऑफ CH2 इन एडजेसेंट मेंबर. Having same functional group with difference of CH2 in adjacent member. ठीक है बेटा, अच्छा सुना बेटा. ऐसी फैमिली या ऐसे दो मॉलिक्यूल जिनके फंक्शनल ग्रुप सेम हो और जिनके अगल बगल वाले सदस्यों में CH2 का डिफरेंस हो, उन्हें हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज. फॉर एग्जाम्पल लिखिएगा पर देखिएगा सब कुछ. फॉर एग्जाम्पल ये एल्केन है बेटा, क्या है एल्केन, जो एल्कीन बना देते हैं, ये क्या है बेटा एल्कीन. अच्छा एल्कीन का पहला सदस्य क्या होगा C2H1 वाला तो बनती नहीं, दूसरा मतलब एल बराबर 3 रख दो C3H6 C4H8 C5H10. जब एल्कीन के फॉर्मूले से ही ये मॉलिक्यूल बनाए हैं तो फंक्शन ग्रुप तो सबका क्या होगा सेम, ये भी एल्कीन होगी, ये भी एल्कीन, ये भी एल्कीन, ये भी एल्कीन. अब देखिए अगर ऊपर वाले और नीचे वाले में देखें तो कितने का डिफरेंस है CH2 का, इसमें और इसमें देखो कितने का डिफरेंस है CH2 का, इसमें और इसमें देखो कितने का डिफरेंस है CH2 का. तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके फंक्शनल ग्रुप सेम हो और जिनके अगल बगल वाले सदस्यों में CH2 का डिफरेंस हो, हम उन्हें कहते हैं कि वो होमोलोगस सीरीज बना रहे हैं. बोलो क्या बना रहे हैं, होमोलोगस सीरीज. बोलो क्या बना रहे हैं, होमोलोगस सीरीज. इज इट क्लियर, मेरी कॉमेंट हजम हो गई. तो फंक्शनल ग्रुप सेम होने चाहिए और एडजेसेंट मेंबर में CH2 का डिफरेंस होना चाहिए. अच्छा भाई आप सुनना, अगर एडजेसेंट मेंबर के फार्मूले में CH2 का डिफरेंस है तो एडजेसेंट मॉलिक्यूल के मॉलिकुलर वेट में कितने का डिफरेंस होगा, जितने फार्मूले का डिफरेंस होगा उसी के वेट के बराबर मॉलिकुलर वेट में भी डिफरेंस होगा. तो चाहे बोलो जिनके फार्मूले में CH2 का डिफरेंस हो, चाहे बोलो जिनके वेट में 14 का डिफरेंस. ठीक है अच्छा बेटा, आप जा देखना अगर आपको समझ में आया है तो आप इसके ऊपर एक सवाल करें, जहां तक मैं करूंगा नहीं. एक क्वेश्चन, विच पेयर, साथ में लिखो, आर द एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस Which pairs are the example of homologous series? आपको कुछ सीखने को मिलने वाला है यहां से, आप ध्यान से देखिएगा. जैसे ये दिया और ये दिया, समझ लीजिए. जो बच्चे या जो अध्यापक सिर्फ इतना बताते हैं कि CH2 का डिफरेंस होना चाहिए वो होमोलोगस होते हैं, तो वहां पे देखिए बच्चा गलती कर बैठेगा. कैसे गलती कर बैठेगा, ध्यान से देखिए सामने कितने कार्बन है, 1, 2, 3. कितने हाइड्रोजन, 3 यहां पर होंगे, 3 और 2, 5, 5 और 2, 7, 7 और 1, 8, और 1 ऑक्सीजन. यही तो फॉर्मूला है इसका. बोलो बेटा यहां देखिए कितने कार्बन है, 2, 2, 4.
कितने हाइड्रोजन है? 3, 2, 5 और 5, 10 और एक ऑक्सीजन। अगर हम देखें तो इनके फार्मूले में एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है, मतलब इनमें CH2 का डिफरेंस है। तो कुछ बच्चे हो सकता है कह दें कि ये होमोलोगस है, लेकिन नहीं। आप लोगों ने 11th में ये तो पढ़ा ही होगा या 9th में पढ़ा होगा, OH का मतलब होता है एल्कोहल और O का मतलब होता है ईथर। फंक्शनल ग्रुप बेटा बदल गए हैं, इसलिए आप इनको होमोलोगस नहीं कह सकते। ध्यान समझा नहीं पा, सोचो सोचो सोचो, अगर ये चित्र ओपन होके ना आते, अगर ऑप्शन में C3H8O और C4H8O लिखा होता, हाँ, तो हम डंडे की चोट पर कह देते कि ये होमोलोगस होंगे। तब हम सिर्फ देखते हैं CH2 का डिफरेंस, लेकिन जब फार्मूला ओपन लिखकर आता है तो CH2 डिफरेंस के साथ साथ हम फंक्शनल ग्रुप को भी देखते। अगर ऐसे लिखकर आता तो हम कह देते कि ये होमोलोगस है, लेकिन ऐसे लिखकर आया है तो हम CH2 का डिफरेंस भी देखेंगे और फंक्शनल ग्रुप भी देखेंगे। गॉट इट बेटा? जैसे एग्जांपल और देखिए, शायद आपको और अच्छा लगे। ऊपर ऊपर तो जगह नहीं मेरे पास, मैं ऊपर लिखकर जाऊंगा, ठीक है? मैं ऊपर देखें बेटा, मैंने ये एग्जाम्पल बनाया तीसरा वाला, तो देखिए ये लेयर और ये लेयर, और मैंने पूछा बताइए क्या ये होमोलोगस सीरीज। फिर देखिए, आप देखते समझ गए होंगे, यहां पे फंक्शनल ग्रुप NH2 है और यहां पे फंक्शनल ग्रुप N है। फंक्शनल ग्रुप बदल गया तो CH2 देखने की आपको जरूरत ही नहीं है, ये होमोलोगस नहीं हो सकता। जबकि अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूले से देखे तो इसके पास एक और एक दो कार्बन है, 3, 2, 5 और 2, 7 हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन। यहां देखिए 1, 2, 3, 4 कार्बन है, 3, 2, 5, 2, 7 और 3, 3, 2, 5, 4 में क्या है? अच्छा राय बन गया, इससे आपको अच्छी और सिखा दी। चलो हाँ, 3 और 2, 5, 5 और 3, 8, 8 और 3, 11। एक बात और समझना, हमने बोला था होमोलोगस वो होते हैं जिनके एडजेसेंट मेंबर में CH2 का डिफरेंस हो। समझ आ जाएगी बात, हम क्या कह रहे हैं। अच्छा मैं एग्जांपल बन गया, इससे एक चीज और सिखा दिया। ये सारे हमने एल्कीन के एग्जाम्पल लिखे, बोलो इन दोनों में CH2 का डिफरेंस है, इन दोनों में CH2 का डिफरेंस है, इन दोनों में CH2 का डिफरेंस है। ये सब आपस में होमोलोगस है, सोचो ये और ये होमोलोगस है, तो ये और ये भी तो होमोलोगस है, ये और ये भी तो होमोलोगस है, ये और ये भी तो होमोलोगस है। एक्चुअली हमने डेफिनेशन में लिखवाया कि एडजेसेंट मेंबर में CH2 का डिफरेंस, अगर मान लो दूर के मेंबर दे दिए जाए तो CH2 के इंटीग्रल मल्टीपल का डिफरेंस होगा। किसका डिफरेंस होगा? CH2 के इंटीग्रल मल्टीपल का। अगर वो अगल बगल वाले होंगे तो सिर्फ CH2 का डिफरेंस होगा, लेकिन अगर वो काफी दूर के हो गए तो CH2 के इंटीग्रल मल्टीपल का डिफरेंस अलग अलग। ओपन चित्र बनकर आया तो आपने तुरंत बोल दिया ये होमोलोगस नहीं होंगे। सोचो अगर ये फार्मूले लिखकर आते हैं, आप धर दो इनमें कितने का डिफरेंस है, C2 C4 डिफरेंस कितने का है, 2 कार्बन और 7 और 4 11 डिफरेंस है। तो आप इसको क्या ये नहीं लिख सकते CH2 का होल ट्वाइस? मतलब अगर ये फार्मूले लिखकर आते तो आप देख रहे हैं इनमें CH2 के इंटीग्रल मल्टीपल का डिफरेंस है, तो हम इनको होमोलोगस बोल देते।
लेकिन चूंकि ओपन स्ट्रक्चर बनकर आया है तो हम CH2 का डिफरेंस भी देखते हैं और फंक्शनल ग्रुप भी देखते हैं। चूंकि फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है इसलिए हम इनको होमोलोगस नहीं बोलेंगे। इज इट क्लियर बेटा? ओके, क्या आपको पॉइंट समझ में आए? CH2 का इंटीग्रल मल्टी भाई अगल बगल वाले होंगे तो सिर्फ CH2 का डिफरेंस होगा, ऊपर और काफी गैपिंग वाले ले लेंगे तो CH2 के इंटीग्रल मल्टीपल का डिफरेंस होगा। ध्यान रखिए, फिर से बोल रहा हूं, कंडेंस फार्मूला लिखकर आया तो सिर्फ डिफरेंस से देख लेते हैं, लेकिन अगर ओपन स्ट्रक्चर बन के आया तो डिफरेंस के साथ साथ फंक्शनल ग्रुप को भी देखते। ओके, तीसरा ऑप्शन बना रहे हैं। तीसरा ऑप्शन बना रहे हैं, आप बताइए। तीसरा फॉर्मूला बना दिया हमने, देखो बेटा ऐसे बना देते हैं, ये दे दिया और ये दे दिया और चौथा ऑप्शन बना दिया ऑल ऑफ दी। आप देख सकते हैं तीसरा वाला होमोलोगस है, फंक्शनल ग्रुप सेम है और CH2 का डिफरेंस है, तीसरा वाला होमोलोगस है। आंसर क्या टिक करेंगे? तो अब जरा देखिए होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या है, दोज हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड हुज एडजेसेंट मेंबर आर डिफर बाय CH2 या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ CH2 आर कॉल्ड होमोलोगस। इतने एग्जाम्पल से मैंने समझाने का प्रयास ये किया कि अगर ओपन स्ट्रक्चर बनकर आए तो CH2 का डिफरेंस और सेम फंक्शनल ग्रुप दोनों देखते हैं, लेकिन अगर कंडेंस फॉर्म लिखकर आ रहा है तो सिर्फ CH2 का डिफरेंस देखते हैं। ओके बेटा, ठीक है, पहला पॉइंट में छात्रों ने सीखा होमोलोगस सीरीज। ठीक है, पॉइंट हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अब एक दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, सब लोग देखेंगे, इसको हटा दें बेटा। दूसरा पॉइंट देखो बेटा, दूसरा पॉइंट आज अभी भी रिसेंटली आपने केमिकल बॉन्डिंग में देखा है, फिर भी एक और पॉइंट देख लो, दोबारा देख लो, हाइब्रिडाइजेशन। आपको याद होगा हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ट्रिक बताई थी आपको केमिकल बॉन्डिंग में, sp3-5 यस वही लगाएंगे यहां पर sp3-5। कहने का मतलब यह है किसी कार्बन में जितने भी पाई बॉन्ड बनाए हो उसको तीन में से माइनस कर देना तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। जैसे अगर किसी कार्बन ने एक भी पाई बॉन्ड नहीं बनाया 3-0-3 sp3, एक पाई बॉन्ड बनाया 3-1-2 sp2 और दो पाई बॉन्ड बनाए 3-2-1 मतलब sp। ओके बड़ा बात हो रही, आइए हम अपने बच्चों को ये दिखाएं, आइए हम अपने छात्रों को इसका एक एग्जाम्पल करवाते हैं। देखिए ब्रदर, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया CH3C CH CH CH3। सब देखिए, मैंने कहा लेफ्ट टू राइट प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, प्लीज आगे लिखिए। देखिए बेटा, हम लोग चाहते तो इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड से कर सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर बराबर हाइब्रिडाइजेशन। अभी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाए, कार्बन चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों का साझा कर लेता है तो लोन पेयर की तो बात कार्बन पर उठ ही नहीं सकती, जो भी होंगे वो सिग्मा बॉन्ड पेयर ही होंगे। अब देखिए जरा, एक सिग्मा ये बनाए, प्रत्येक एच के साथ एक एक सिग्मा और बनाए,
तो इसलिए चार सिग्मा बने, लोन पेयर तो होगा नहीं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट से sp3 आए, दो सिग्मा बनाए, लोन पेयर तो होगा नहीं, कॉन्सेप्ट से sp आएगा, दो सिग्मा बनाए कॉन्सेप्ट से sp आएगा, दो सिग्मा कार्बन के साथ बनेंगे, एक सिग्मा H के साथ बना है, तीन आ गए sp2 होगा, तीन आ गए sp2 होगा, चार आ गए sp3 होगा। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं तुम्हें गिनने पड़ रहे हैं कितने सिग्मा बॉन्ड पे है, इस ट्रिक को लगाइए तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप देखिए दो पाई बॉन्ड यहां पर बने हैं इस कंपाउंड में और एक पाई बॉन्ड यहां पर बना है। आप देखिए क्या इसने कोई भी पाई बॉन्ड बनाया? नहीं, 3-0 sp3। इसने दो पाई बॉन्ड बनाए 3-2 sp3। इसने दो पाई बॉन्ड बनाए 3-2 sp3। इसने एक पाई बॉन्ड बनाया, इसने एक पाई बॉन्ड बनाया 3-1 2। इसने एक पाई बॉन्ड बनाया 3-1 2। इसने एक भी नहीं बनाया 3-0 sp3। तो बहुत ही अच्छा ट्रिक है ये हमारा sp3-5। ओके बेटा, अच्छा भाई, अच्छा बेटा। एक स्टेप अपन लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक एग्जांपल में आपको और दे रहा हूं, आप लोग करके दिखाएंगे, ठीक है बेटा? एक एग्जाम्पल ये हो गया, एक और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मैं आपको ये एग्जाम्पल दिया, और मैंने अपने बच्चों से कहा जिन कार्बनों पर स्टार मार्क है उन कार्बनों का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, मुंह जमाने बताइए। एक पाई बॉन्ड बनाया 3-1 sp2, बोलो। एक भी पाई बॉन्ड नहीं बनाया 3-0 sp3, बोलो। दो पाई बॉन्ड बनाए हैं 3-2 बोले तो sp2। तो किसी कार्बन में जितने भी पाई बॉन्ड बनाए हो उसको 3 में से माइनस करते जाओ, उसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाए। ओके बेटा, अच्छा ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं आपको एक दो क्वेश्चन और कराता हूं, ठीक है? कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आते हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, ऑलिफिनिक बॉन्ड कितने हैं और एसिटिलिनिक बॉन्ड कितने हैं। ध्यान सब लोग देखेंगे, पेन कॉपी बंद कर दी, एक पे करा दे रहे, बाकी आप अपने आप कर लो। देखिए सिग्मा, आपको मालूम है सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा, डबल बॉन्ड इज 1 sigma 1 pi, ट्रिपल बॉन्ड इज 1 sigma 2 pi। अब आपको सिग्मा निकालना है, आप देखिए 3 sigma एच के साथ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 3, 13 कितने सिग्मा हो गए? 13। कितने बड़ा सिग्मा हो गए? 13, ठीक है। अच्छा बात करें पाई बॉन्ड कितने हैं, दो पाई ये है और एक पाई ये है, थोड़ा कितने पाई हो गए इसके पास? बड़ा कोई प्रॉब्लम है सर? वो कैमरे नहीं देखना है, क्लास चलने के लिए देखना, ठीक है। आगे बढ़े, अब बात करते हैं ऑलिफिनिक बॉन्ड क्या होगा, ध्यान में सुना सर? अपन लोग ने ऑलिफिन किसको बोला था? एल्कीन को। इसलिए जितने भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं ऑलिफिनिक बॉन्ड। आप बताइए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितने? सिर्फ एक ही तो है, सिर्फ एक ही तो है, तो ऑलिफिनिक बॉन्ड कितने हो गए? एक। अब आप सोच रहे हो ये कौन चिड़िया का नाम है? एसिटिलिक बॉन्ड। सुनो, एसिटिलिन आपको याद है C2H2, द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन इज एसिटिलिन।
इसीलिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को हम ऐसी ट्रिलिमिक बॉन्ड भी बोल देते हैं। तो आप बताओ इस मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं? एक। तो ऐसी ट्रिलिमिक बॉन्ड भी कितना है? एक। गॉट इट बेटा? तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ऑलिफिनिक बॉन्ड, ऐसी ट्रिलिमिक बॉन्ड, कभी ये पूछ लेते हैं। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ऑलिफिनिक बॉन्ड कहते हैं और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को ऐसी ट्रिलिमिक बॉन्ड कहते हैं। राइट बेटा? आगे बढ़, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब एक क्वेश्चन दे रहे आप लोग करके दिखाएंगे, हटाते हैं इसको। एक क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन ईच। हम आपको कुछ स्ट्रक्चर बनाकर देंगे, आपको सभी में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या बतानी है। तैयार है आप लोग? अच्छा देखो ना, सुनो। एक हम कर देंगे तो दो आप, एक अगला आप करना। पहला थोड़ा बड़ा बनाते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज बेंच। देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, जब भी सिग्मा और पाई बॉन्ड निकाले जाते हैं, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बदतमीज आदमी है हाइड्रोजन, सारा दिखाई नहीं पड़ता है। इसे ध्यान रखना, कार्बन की जितनी वैलेंसी ना दिखाई पड़ रही हो, हर उस वैलेंसी पे क्या होगा? हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन बच्चे अक्सर काउंट करना भूल जाते हैं और आंसर जो है थोड़ा सा गलत हो जाता है। ठीक है, इधर बेटा आप लोग जानते हैं कार्बन की वैलेंसी चार होती है, तीन वैलेंसी दिखाई पड़ रही है, तो चौथी पर क्या होगा? एच। यही तो बड़ा बेंजी है। बोलो अब आपको इस बेंजी में सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने हैं, नहीं बता पाओगे? और देखो सिग्मा 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 सिग्मा, और ये क्या हो जाएंगे? पाई पाई पाई। कोई बता देगा, छह सिग्मा रिंग पे है, छह सिग्मा रिंग के बाहर है, टोटल सिग्मा कितने हैं? 12। और टोटल पाई कितने हैं? 3। ओके, तो 12 सिग्मा एंड 3 पाई बेंजीन के पास उपस्थित होते हैं। इसका नाम बेटा क्या है? बेंजीन। अगला आपको करो, अगला आप लोग, अगला आपको करो। ठीक है चलो करो। इसका बेटा नाम होता है नेफ्थलीन। ध्यान रखिएगा, जब दो बेंजीन को जोड़ देते हैं उसे नेफ्थलीन कहते हैं। आपके पास 30 सेकंड है, बताइए कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे। कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे? ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन को ना भूल जाइएगा। देखिए बेटा, और सबसे पहले क्या करेंगे? हाई मॉडल को फुलफिल कर दे। आप देखिए, सिर्फ बीच वाले इन दो कार्बनों के पास एच नहीं होगा, बाकी सभी के पास एच होगा। तो आइए आराम से, पहले हम लोग आराम से करेंगे, जल्दीबाजी नहीं है। देखो एच एच
एच एच और एच अके देखो चलो समझ तो गए हो आप सिग्मा काउंट करें एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह राइट और एक होगा अंदर उन्नीस। अक्सर बच्चे ये अंदर वाला भूल जाते हैं ध्यान रखिएगा तो सिग्मा कितने हो गए उन्नीस। पाई की बात करें एक दो तीन चार पांच पाई बॉन्ड कितने होंगे पांच। मैं देखा है कुछ अध्यापक और कुछ बच्चे ट्रिक्स पढ़ते हैं कि सिग्मा बॉन्ड बराबर फलाना पाई बॉन्ड बराबर धमाका लोन पेर बराबर पता नहीं क्या पटाका ठीक है बिल्कुल वाहियात बेटा ये साइंस है ये समाज शास्त्र नहीं है ये हिंदी नहीं पढ़ रहे हो कि हम यहां पे ट्रिकों को पढ़ दें। जब तीन घंटे का प्रेशर पड़ता है ना तो ट्रिकें उस प्रेशर में कहां उड़ जाती हैं वो लंबे लंबे फार्मूले कहां उड़ जाते हैं कोई ठिकाना नहीं इसलिए खटाक से अपन लोग तुरंत 30-30 सेकंड्स में आंसर आ जाते हैं बेटा तो 5 सेकंड में आंसर निकालने का प्रयास मत करिए अदरवाइज प्लस 4 नहीं माइनस 1 हो जाते हैं ठीक है तो नंबर और सिग्मा बॉन्ड निकालना उम्मीद करते हैं आप लोग सीख गए होंगे। तो पहला पॉइंट मेरे बच्चों ने पढ़ा होमोलोगस सीरीज क्या होता है दूसरा पॉइंट मेरे बच्चों ने पढ़ा कि हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं राइट तीसरा पॉइंट और भी प्यारा पॉइंट है मजा आएगा तीसरा बड़ा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन एटम देखिए टाइप्स ऑफ कार्बन एटम सुनो बड़ा कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है चार अभी मैंने आपको बताया था है ना देखो जरा कार्बन की बैलेंसी होती है चार सुनो ऐसा कार्बन जिसकी सिर्फ एक वैलेंसी से कार्बन लगा हो बाकी तीन वैलेंसी पर तुम दुनिया का कोई भी एटम लगा देना बस कार्बन लगाना ऐसे कार्बन को कहते हैं प्राइमरी कार्बन या सॉल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं 1 डिग्री कार्बन बेटा बोलो क्या करते हैं 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन ओके ऐसा कार्बन जिसकी एक वैलेंसी पर सिर्फ कार्बन लगा हो उसे कहते हैं प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन सुनते रहे बेटा तीन वैलेंसी पर आप कुछ भी लगा दो एच लगा दो आप OH लगा दो आप NO2 लगा दो आप कुछ भी लगा दो बस कार्बन मत लगाना अच्छा मैं सुन रहा तो 1 डिग्री कार्बन ऐसा कार्बन जिसकी एक वैलेंसी पे कार्बन लगा हो और 1 डिग्री कार्बन से जुड़े जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हें हम कहते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन या प्राइमरी हाइड्रोजन ठीक है अगर तुम्हें 1 डिग्री समझ में आ गया है तो 2 डिग्री भी तुम समझ गए हो देखो बेटा ऐसा कार्बन जिसकी एग्जैक्ट 2 वैलेंसी से कार्बन लगाओ कितनी वैलेंसी से बाकी 2 वैलेंसी पे दुनिया का कोई भी एटम लगा देना हम ऐसे कार्बन को कहते हैं सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन ओके तो अब तो तुम लोग बताओ टर्शियरी कार्बन किसे कहते हैं बोलो जिसकी एग्जैक्ट 3 वैलेंसियों पर कार्बन लगा होता होगा उसे हम टर्शियरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन कहते होंगे और टर्शियरी कार्बन से लगे हाइड्रोजनों को हम टर्शियरी हाइड्रोजन कहते हैं आप बताइए क्वार्टनरी कार्बन क्या होता होगा
जिसकी चारों बैलेंस शीट पर कार्बन लगा हो हम उसे क्वार्टनरी कार्बन कहते हैं, या शॉर्ट में कह देते हैं 4 degree carbon, क्वार्टनरी कार्बन या 4 degree carbon। ओके, अब तुम्हें दिमाग लगा के बताना है क्या क्वार्टनरी हाइड्रोजन होगा? नहीं, कार्बन की चार ही वैलेंसी होती है, चारों वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाई हो गई, मतलब क्वार्टनरी हाइड्रोजन नहीं हो सकता। अर्थात कार्बन होते हैं चार प्रकार के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी, लेकिन हाइड्रोजन होते हैं तीन ही प्रकार के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। क्वार्टनरी हाइड्रोजन नहीं होता। बट एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर कदम पर यह आएगा, हर कदम पर। हो सकता है पर डे आप इसके बारे में कहीं ना कहीं कोई सवाल देखें, तो आइए इसके ऊपर 2-4-5 सवाल कर दिए जाए। ठीक है, हटा दो इसको। चलिए, हम लोग को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन को सर्च करना है। हमने ये दिया, हमने आपसे पूछा प्रत्येक कार्बन को बताइए प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शरी होगा या क्वार्टनरी होगा। वेरी सिंपल, आप सिर्फ ये देखेंगे कि वो कार्बन कितने तरफ कार्बनों से जुड़ा हुआ है। देखिए बेटा, ये कार्बन एक तरफ कार्बन से जुड़ा है, व्हाट इज दिस? प्राइमरी। बोलते जाओ, 1, 2, 3 तरफ जुड़ा है टर्शरी, 1, 2 सेकेंडरी कार्बन, 1, 2, 3। डबल ट्रिपल से कोई मतलब नहीं होता है हम लोग को, सिर्फ कार्बनों के नंबर से मतलब होता है। तीन तरफ कार्बन से जुड़ा है टर्शियरी होगा, सामने देखिए, एक तरफ कार्बन से जुड़ा है प्राइमरी होगा, राइट? देखो, 1, 2 सेकेंडरी, 1, 2 सेकेंडरी, एक तरफ जुड़ा ऊपर आइए, 1, 2 सेकेंडरी, एक तरफ जुड़ा। okay, बहुत ही आसान होता है इस चीज को समझना, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। क्या अगला सवाल आप लोग करें? अच्छा भाई, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं वो डिसाइड करता है कि प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या टर्शियरी होगा। अगला सवाल पेश कर रहे हैं हुजूर, मुलाहिजा फरमाइएगा। इरशाद तो बोल दिया करो जहां बैठे हो, हैं? चलिए देखते हैं। चलिए, ठीक, आपको ये जानना है, मैं पहले बता चुका हूं ये सब क्या होते हैं, हैं? ये सब कार्बन होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, हर कार्बन के बारे में बताइए, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शियरी होगा या क्वार्टनरी होगा। चलिए, हर कार्बन के बारे में बताइए, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शियरी होगा या क्वार्टनरी होगा। ये देखो, बच्चों ने थोक के भाव में IUPAC के सवाल पूछे हैं। आपको पढ़ने के बाद हमें IUPAC का डाउट सेशन बनाना है। चलिए, कोई बात नहीं, मैं बहुत ही मेहनती टीचर हूं भाई, ध्यान रखना। चलिए, फटाक से करके दिखाइए। बताइए,
चाय बना दी तो और अच्छी जगह बनाया उधर जाकर ना तो और अच्छी तुम बना कर चाय बना कर पढ़ाने थोड़ी रात है तुम भैया मस्ती घर में आते हैं एंजॉय करो उधर जाकर ना उधर ऐसा कर दो ठीक चलो ये अलग किया आप लोगों लो बोलो ना जल्दी से क्या कर रही हो तुम लोग बताओ आप देखते हैं आप वीडियो पॉज करके करिएगा और फिर देख लीजिए आगे बढ़ा चलो देखो ऑफिस एक तरफ जुड़ा ठीक है एक दो तीन तरफ जुड़ा सेकेंड एक दो तीन तरफ जुड़ा सेकेंड दो तरफ जुड़ा सेकेंड देखो एक दो तरफ जुड़ा सेकेंड दो तरफ जुड़ा सेकेंड दो तरफ जुड़ा सेकेंड एक दो तीन तरफ जुड़ा दस दो तरफ जुड़ा सेकेंड इसको देखो एक दो तीन चार तरफ जुड़ा सेकेंड उम्मीद करता हूं आप लोग के सही हो रहे हैं ठीक है इसको बताओगे आप लोग बोलो चल मैं लिखता हूं ठीक है सबसे पहले आप लोग जो देख लीजिए कार्बन कहां कहां पर है जितने भी ये कॉर्नर्स होते हैं जितने भी ये क्रॉस होते हैं ये सब एक्चुअली कार्बन ही होते हैं हम कई बार कह चुके हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन की टेंशन नहीं ली जाती ठीक क्या आपको बता पाओगे चल मेरे साथ दो बोलो प्राइमरी एक तरफ कार्बन से गलत आप बोलोगे मैं लिखूंगा बस वेरी गुड वेरी गुड प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी एंड दिस इज व्हाट कॉलम ओके तो इस प्रकार से मेरे स्टूडेंट किसी भी प्रकार के स्ट्रक्चर में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और क्वार्टरनरी कार्बन निकाल सकते हैं बता सकते हैं ठीक है तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको इसके ऊपर कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं कि आप तैयार हैं पक्का तैयार है चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं आइए एक क्वेश्चन देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन ए स्मॉलेस्ट एलके एलके मतलब ऑल बॉन्ड्स शुड बी सिंगल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन ए स्मॉलेस्ट एलके हैविंग ऑल फोर types of carbon options है पांच छह आठ नौ मैं करूंगा वाला अभी आप ये मत करिए कि मैं करूंगा आप देखिए पहले क्वेश्चन की आप भावना है क्वेश्चन कह रहा है एक ऐसा छोटे से छोटा एल्केन बनाओ जिसके पास चारों प्रकार के कार्बन हो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्वार्टरनरी देखिए चारों प्रकार के कार्बन तो इसके पास भी है उसके पास तो नहीं है क्वार्टरनरी नहीं बनाया था हमने इसके पास तो है आप देखिए कितना बड़ा चित्र बना दिया है
क्वार्टरली भी है, टर्सरी भी है, खूब सारे सेकेंडरी बना दिए हैं, हमें छोटे से छोटा बनाना है। अब छोटे से छोटे का मतलब क्या होता है? एक क्वार्टरली बना दो, एक टर्सरी बना दो, एक सेकेंडरी बना दो, प्राइमरी के बारे में कभी मत सोचिएगा। क्यों? क्वार्टरली, टर्सरी और सेकेंडरी बनाते समय प्राइमरी अपने आप बन जाती है। तो कभी भी स्मॉलेस्ट पूछा जाया करे तो एक क्वार्टरली, एक टर्सरी, एक सेकेंडरी बना दिया करो तो स्मॉलेस्ट एल्केन बन जाएगा। ठीक है, जैसे इसके सॉल्यूशन के लिए मैं ऊपर ही जगह रख कर रहा हूं। ओके, अब आप देखो बेटा, समझेगा जी भाई, मुझे छोटे से छोटा एल्केन बनाना है, इसमें चारों प्रकार के कार्बन सुन लेंगे भाई। भाई मुझे एक क्वार्टरनरी बनाना है, मेरे भाई तू क्वार्टरनरी बन जाना तो मजा आ जाएगा। तो भाई ने बोला चार बार लगा दो कार्बन, है ना, तो हमने चार कार्बन लगा दिए भाई, एक क्वार्टरनरी तैयार हो गया। एक टर्सरी पैदा करना है, भाई तू टर्सरी बन जा। इसने कहा तीन तरफ कार्बन लगा दे, एक लगा हुआ था, दो तरफ और लगा दिए, टर्सरी हो गया। अरे भाई तू सेकेंडरी बन जा, तेरा काम बन जाएगा, एक तरफ कार्बन से लगा था, एक तरफ और लगा दिया, सेकेंडरी बन गया। प्राइमरी बनाने का प्रयास मत करना, प्राइमरी थोक के भाव में अपने आप बन जाते हैं। आप देखिए ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, और ये भी प्राइमरी। ये वो छोटे से छोटा एल्केन है जिसके पास चारों प्रकार के कार्बन होंगे। आप किसी भी एक कार्बन को कम करोगे तो एक ना एक इन तीनों में से गायब हो जाएगा। तो कितने कार्बन यूज हुए? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। तो आठ कार्बन वो मिनिमम नंबर है जिसका यूज करके हम स्मॉलेस्ट एल्केन बना सकते हैं, हैविंग ऑल फोर टाइप्स ऑफ कार्बन। समझ में आया? अच्छा सुनो, कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, कहते सर हमने ये चित्र बनाया था। कुछ बच्चे क्या कहते हैं, हमने सर ये चित्र बनाया था, हमने क्या सुना, सर हमने इसको क्वार्टरनरी बना दिया। हमने इसको बना दिया सेकेंडरी और इसको बना दिया टर्सरी। बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे तो फर्क नहीं पड़ता है। आपको एक क्वार्टरनरी बनाना है, एक टर्सरी बनाना है और एक सेकेंडरी बनाना है। अब एडजेसेंट बनाओ या थोड़ा दूर जाकर बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहां पर भी काम करिए, कार्बन की संख्या आधी आ रही है और इसके पास भी चारों प्रकार के कार्बन से आप देख सकते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। आंसर क्या आएगा? ओके बेटा, थोड़ा क्लियर हो गया। क्या अगला सवाल सही बेटा, क्या अगला सवाल आपको बच्चे दिखाओगे? लास्ट सवाल है आज की क्लास का। ओके, अगला सवाल आपको दे रहे हैं, अगला सवाल मुझे दिखाइए। नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन ए स्मॉलेस्ट एल्केन हैविंग टू टर्सरी कार्बन एंड वन टू डिग्री कार्बन। ऑप्शन है पांच, छह, सात, आठ। बताइए, वो छोटे से छोटा एल्केन बनाना है जिसके पास दो
टर्शियरी कार्बन हो और एक सेकेंडरी कार्बन हो। डी एक मान आप बताइए, आप बताइए नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने लगेंगे उस छोटे से छोटे एल्केन में जिसके पास दो टर्शियरी और एक सेकेंडरी कार्बन हो। बोलो डी आ रहा है, देखते अपन को दो टर्शियरी लाने हैं। ए भाई टर्शियरी बन जाने भाई, तो भाई ने कहा तीन जगहों पे कार्बन लगा, एक टर्शियरी बन गया, एक टर्शियरी और बना रहा है, अरे बन गया टर्शियरी ले भैया। एक कंडीशन हमारी होगी, अब अपन को बनाना है एक सेकेंडरी बनाना है, सेकेंडरी बनाना है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। दो कंडीशन को सेटिस्फाई करने में मिनिमम कितने कार्बन यूज हुए, एक दो तीन चार पांच छह सात, सो द आंसर इज तो डी बोल रहे थे कार्बन भी होते क्या बेटा तो सही है साथी तो आएंगे देखो। अरे बेटा देखो फिर वही बात बोले करिए, आप दो टर्शियरी बनाने फिर तुम सेकेंडरी बना दो और फिर तुम टर्शियरी बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चिपका के बनाए दो टर्शियरी या दूर दूर बनाए दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन था दो टर्शियरी और एक सेकेंडरी होना चाहिए, आप ऐसे बनाओ तो भी सात कार्बन आएंगे, आप ऐसे बनाओ तो भी सात कार्बन आएंगे, ये क्लियर बेटा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने तीसरा एग्जाम्पल भी क्या किया, राइट। आई होप आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एंजॉय कर रहे हैं, घर पर जब इस वीडियो को देख लीजिएगा तो नोट्स को अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। हम लोग बात करेंगे HW की। ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं बहुत टाइम से HW में इंक्वायर हुआ है, HW ये वीडियो आप लोग सोमवार को देख रहे होंगे ओके, और मंगल की शाम को दूसरा वीडियो देखेंगे इसके आगे। तो सोमवार की शाम से मंगल की शाम तक आपका HW है पहला पॉइंट। जितना ये आयु के इसी पड़ा इसे अच्छे से एक दो बार चित्र बना बना के रफ कॉपी भर भर के पढ़ेंगे। दूसरा बेटा आपको काम क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिएगा, अच्छे सुनिएगा। आप लोगों को अच्छा आप लोग क्या करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग की उतनी थ्योरी पढ़ेंगे, उतनी थ्योरी पढ़ेंगे जितने में 01 सीट सॉल्व हो जाए और 01 सीट को दोबारा से सॉल्व करें। ध्यान समझ में आया, केमिकल बॉन्डिंग का उतना थ्योरी पढ़ेंगे जितने में 01 वाली सीट सॉल्व हो जाए और इस सीट पे आपको क्या लगानी है, क्वेश्चन से लगानी है, ओके। मैं उम्मीद करूंगा कोई ज्यादा काम नहीं है, ये काम आपका हो जाएगा हाफ आवर। हाँ, इस काम में लगभग हो सकता है 1.5 आवर आपको थ्योरी पढ़ने में लग जाए और 1.5 आवर आपको सवाल लगाने में लग जाए, इसमें टाइम तो बिल्कुल भी ओके। चलिए वीडियो देखिए, एंजॉय करिए, जल्दी मिलेंगे आप फोर्सेस, ओके भाई, थैंक यू, एंजॉय करिए, पढ़ते हैं।